मैंने और अभिजीत ने ये ले लिए हैं। अर्पित भाई और पीछे मैं, पीछे मम्मी खड़ी हूँ। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रामन देखने मेला, और आपको भी दिखाएंगे हम मेला। हम जा रहे हैं अगबानपुर मेला देखने। आज है दशहरा, पूरा मेला, पूरा दशहरा, सब चीज़ दिखाएंगे आपको। जा रहे हैं मेले में, तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ जब हमारे बालक हमारी इंस्टाग्राम आईडी खोल कर देखे करेंगे तो क्या हो करेगा, अपने दोस्तों से कैसे बताया करेंगे, पापा की न्यू रील पोस्ट ये शेयर करो, लाइक फॉलो कमेंट। रोक लो, रोक लो यार, आना। हाँ। बिल कितने के डलवाए तुमने? 70,000। कितने इंची है? 27 इंची। 27 इंची बिल डलवाए इन्होंने गाड़ी में, और अगले रह रहे हैं, पैसे कम पड़ गए ना। अच्छा, और रूट्स भी, रूट्स सब लगवाए दिए हैं, रूट्स वूट्स भी हैं, ये पावर ब्रेकिंग सिस्टम है। अब हम जा रहे हैं अगबानपुर मेला देखने, और पूरा मेला दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, हमको सिखा रिया है, दिखाएंगे आपको रावण का दहन, और ये जीतू साथ हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारे बहुत बड़े फैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके बहुत बड़े फैन। पता से नमकीन बिस्किट जा रहे हैं मेला देखने, वहां से लाएंगे एक जेसीबी डंपर, फिर चलाएंगे पट्टे पर से। मुझे लेनी है लेजर लाइट। अबे अब तो राम लेते चली गई, मेरा भराव डालना है, तो आप कान ट्रॉली लाने, मेरा भराव डाल, ये लागा ट्रैक्टर ट्रॉली, ये सिंगार का सामान भी लेगा, ये हां ये बिंदी लेगा, चूड़ी लेगा अपनी बहू के लिए, अर्पित की। ओ मुझे पता क्या लेना है, मुझे लेनी है रिमोट वाली कार, और फिर उसकी बैटरी निकालनी है कुछ दिन बाद। पिया मेला देखने गए, गिर गए गन्नों खेत में, बाइक ले गए बिना पिया ही। अरे स्टार्ट हो रही बाइक, कुछ भी मेला देखेंगे, मेला भी दिखाएंगे, और पूरी रामलीला, पूरी रावण फूंकता हुआ सब कुछ दिखाना है। भाई निकल गए हम मेले के लिए, पीछे हमारे दो भाई और आ गए ये, और चलते हैं मेले में जाके मिलते हैं आपसे, मेला दिखाएंगे और रामलीला दिखाएंगे। ओके बाय। और हुई चटनी तो बीच में कौन गोबर करेगा, खूब बार कराया पागल है क्या। आ गए हम मेले में, एक दो दिन ब्लॉग में आ चुके हैं, ये सब मेले का माहौल दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और भीड़ में हम ब्लॉग बना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमें आज बिल्कुल भी शर्म नहीं लग रही इतनी भीड़ में ब्लॉग बना रहे हैं, और ये पीछे बात करते हो रही गुप्त बात हो रही है, और ये हमारे मामू, अब मैं आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ, मामू को अभी दिखाऊंगा, ये मामू गए, अभिजीत भाई को वो लेनी है रिमोट कंट्रोल कार, दो बटन होते हैं बैक का और एक फ्रंट का होता है लाल और हरा, तो अब चलते हैं। अरे मेन तो मोटर है उसमें, मेन मकसद जो है मोटर रही है, इस पे जिम्मा कौन की इस पर हम सही करवाने जा रहे हैं। चलते हैं अब अंदर दिखाते हैं आपको। अभिषेक भाई हमारे बचपन के मित्र, नर्सरी से 12 तक साथ पढ़े थे हमारे अभिषेक भाई, ये अभिषेक फर्स्ट सेकंड और ये मिले हैं नर्सरी क्लास में, ये बिछड़ गए थे हमसे, कौन से सेकंड है हमारी क्लास में, दो अभिषेक है, ये अभिषेक फर्स्ट था, एक अभिषेक सेकंड है, अभिषेक सेकंड को बता के सोचा कर रहा मैं, तो जगह ये हर बार फर्स्ट आते थे, अभिषेक सेकंड वो था पावर रेंजर, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर रामलीला स्टार्ट होने वाली थोड़ी देर में, फिर रामलीला दिखाएंगे।
मैं इंतजार करता हूँ पकौड़े का। ये क्या करती है, क्या गद्दारी बंदी कर रहे हो यार तुम अकेले अकेले छोड़ जाओ। नींबू और बनाने की लाश की बना दे। ये सब मैं नहीं खिलवाऊंगा। आया आया लुट गया माल भाई साहब। ये हमने पपैया ले लिए हैं। भैया अब एक जगह चल के दिखाएंगे। मैंने और अभिजीत ने ये ले लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे लगे हमने, इसलिए हमें ले ले। और हम अब डर रहा जैसे हम मेले में आ गए हैं। और हम घर तक यही जाएंगे जैसे। मेरा बढ़िया लग रहा है यार, मेरा वीआईपी है। राजा से लग रहा है तू करूं करके। राजा तो मुझे मैं वो लग रहा हूँ सेनापति। सेनापति है राजा उनको बजा हुआ है। बढ़िया लग रहा है काफी। तो देख ले कैसे लगे भाई। मेले में हो गई लड़ाई। वही लड़का लड़के बाली बकरा था, पकड़ा गया, दिखाने के चक्कर में पिट गया, बड़ा गलत हुआ। मेले में यही चीज़ हुआ है ज्यादातर। मेले में आओ, चौक मजे लेके घर को चले आओ, ये सब कुछ मत दो। अभी एक घंटा है, 7 बजे 8 बजे रावड़ का दहन होगा। अब तो क्या करोगे ऐसे खड़े रहो? ऐसे खड़े रहेंगे। अभी एक घंटा है, एक घंटा सुन लो यार, थोड़ी देर के लिए यार, तुम बात ही ना कर रहे। फिर दोबारा काम तो बोलो। इनका काम 25। लुक तगड़ा लग रहा है आज तुम्हारा। खुश हो ना? खुश हो? जय श्री राम। अबे यार तोड़ दिया। अरे बालक अन्य बालक अर्पित बालक टाइम हम बिल्कुल अंदर हैं और थोड़ी देर में रावण का दहन होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको यहाँ पे सबसे मिलवाते हैं, राम जी लक्ष्मण जी रावण जी से सबसे मिलवाते हैं आपको। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब चलते हैं उधर की साइड। ठीक है, हम जी आप हमारे ब्लॉग में आ चुके हैं, यूट्यूब पर आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमने अंदर से दिखा दिया, अभी आधा घंटा है रावण दहन होने में, तो चलते हैं बाहर। मैं अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को बादाम शेक पैसे मैं दूंगा। पैसे भैया दे देंगे, पैसे हमारे भैया। हम नीली लाइट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, नीली में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अरे ये बेकार लग गया हमारा बादाम शेक। अभी बढ़िया है, पी के अर्पित अन्नी को ढूंढते हैं, वो पता नहीं कहाँ है। बादाम शेक मार दिया है आड़ से, वो दोनों ही ना यहाँ पे सही है। देखेंगे बाद में, बताइए मत ब्लॉग में देखियो तुम। अर्पित अन्नी अगर ब्लॉग देख रहे हो तो हमने बादाम शेक पिया था। हम मेले में चल रहे हैं, मेला खत्म हो चुका है, एक वाड़ा पड़ा है, मेला आज खत्म ही करके जाएंगे। हमारी भी 4-5 दुकान लगी हुई है। हमारी ये शुरू से आते हैं, हम बिल्कुल भीगे पलकों पे जाते हैं। लेकर दो मुझे, रिमोट वाली देंगे और तुम पीछे घुमा के जो आओ। और भाई मैंने इन्हें इतना खिला पिला दिया, इनका सबका पेट भर गया है। अब झूठ तो मत बोला, झूठ तो बोला यार। कह दे ब्लॉग में, कह दे खिला दिया। खिला दिया ना? ना यार, कह दिया चल खिला दिया। खिला दिया इन्हें, क्या क्या खिलाया भाई इन्हें? कितने इन्हें 6 जनों को 100-100 150 वाली आइसक्रीम दे दो। एक ये और इधर खड़े हैं। ठीक है भैया, 150-150 वाली आइसक्रीम दे दो इन्हें, महंगी वाली। ये 150-200-300 रुपये वाली आइसक्रीम मैंने इन्हें 6 खिलवा दी है। थोड़ी सी तारीफ। तारीफ दो नहीं है, चक्कर नहीं लगी आपको? 150 रुपये वाली आइसक्रीम बहुत सॉलिड है। अंदर से दिखाना बस की है। आइसक्रीम खाली है, अब दिखाते हैं आपको। रावण दहन शुरू हो चुका है प्रोग्राम। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सनी देव दास मेरा, दशानंद रावण हूँ मैं। काल कुए पे लटके मेरा, दशानंद रावण हूँ मैं। बार बार मोबाइल गेम रावण पर आ गया।
गाइस हो गया राउंड कंप्लीट। अब चलते हैं, रावण फूक चुका है बेचारा। रावण अभी चली थी, अब रावण की आत्मा सही रातियां घूम रही है। बोले अच्छाई पे बुराई की जीत हो चुकी है। क्या बोला तूने? अरे तो नहीं, हमें अभी तक नहीं मिले, पता नहीं कहाँ थे उनकी, पता ना फोन उठाने रहे, मिल गए उन्हें भी रावण में रख के दी गए। तो अब चलते हैं, उन्हें फोन करते हैं, बाइक पे जाके मिलेंगे। अब चलते हैं सीधा घर, खाली हाथ आए थे, पपैया लेके जा रहे हैं। तो भाई निकल गए हैं मेले से, और अब हमें बाइक में हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, हॉर्न हमारे पास है। कंपेरिजन बिटवीन दिस एंड रूट, कमेंट करके बताओ किसकी आवाज दे जा रही है, रूट्स की या मेरे इस पपैया की। तो भाइयों और बहनों, हम आ चुके हैं आशियाना साइमन गिराज रोड पे। हम जा रहे हैं नंदन स्वीट के सामने, क्या नाम है शोरूम, शोरूम का नाम बड़ा है, नाम ना पता क्या है। वहाँ से जा रहे हैं हम लहंगा लेने अरबी जी के लिए। आज इन्हें लहंगा पहना देंगे। और हाँ, तो भैया मैं साथ ले आया, जब से भैया तो वही आ रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं आपको शोरूम में जाके, वहाँ से लेते हैं लहंगा अर्पित भाई के लिए। मेरे लिए मेरे लिए है किंग, तू तू कोई ना, किंग तो शेरवानी पहनते हैं ना। हम आए थे नंदन के सामने मधुरम में आए थे, बंद हो गया है दशहरी की वजह से जल्दी। अब हम अर्पित भाई को लहंगा नहीं दिलवा पाएंगे, सॉरी अर्पित भाई। हम यहाँ से लहंगा लेने आए थे हम दीदी के लिए। हो गया बंद, और हम टाइम से आए हैं, हम लेट ना आए हैं, ये जल्दी बंद हो गया है आज। अगले ब्लॉग में कोई झूठ समझो, सॉरी अर्पित भाई। हम यहाँ से लहंगा लेने आए थे हम दीदी के लिए। हो गया बंद, और हम टाइम से आए हैं, हम लेट ना आए हैं, ये जल्दी बंद हो गया है आज। अगले ब्लॉग में कोई झूठ समझो, तुम्हें आज तुम खिलवा दूंगी नंदन में। यार मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, मैं नंदन के अंदर ब्लॉग ना कर पाऊंगा, तो मैंने कुछ खुलवा लाऊँ अंदर जाके। तो क्या खिलवाऊँ? नहीं इतनी तो है ना, है बिल्कुल 2% बना लिए ना, बना लिए। तो तुम बता दो ना क्या 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 खाओ, क्या खाएगा तुम? खाऊंगा पाव भाजी, इडली मेरी फेवरेट पाव भाजी, और डोसा। तो मैं तो डोसा ही खाऊंगा बस, डोसा ये सकल भी डोसे जैसी। सही है भैया, अब तेरी समोसे जैसी है तो समोसा ही खाओगा क्या? समोसा मिलते नहीं यहाँ पे, समोसा ना मिलता। आ चल, पता क्या ब्लॉग ब्लॉग में मतलब खिलावे तब लिए। क्या रे भीख मंग गया, क्या दिख रहा है? पता क्या खाएगा? ये खाऊंगा हॉट डॉग। हॉट डॉग डॉग गरम कुत्ता डॉग खाएगा, डॉग गरम कुत्ता। तू क्या खाएगा? मैं खाऊंगा ठंडा वाला कुत्ता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैंने इन दोनों को बहुत सारी चीज़ें खिला दी हैं, और हम जा रहे हैं सीधा घर। डकार भी आ गई, इतना खिलवा दिया, पूरा पेट भर चुका है इनका। अब यार मैं अब अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता हूँ, कुछ ना कुछ इन्हें खिलाते रहता हूँ। मैं यार रोड पार कर लूँ, कभी फिर ये अस्पताल में मुझे खिलाना है। इतना बोल लिया, टक्कर लग सकती इसके कभी भी। अगर अगर आपने पूरा व्लॉग देख लिया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ओके बाय। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है, शोर वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है।